बच्चे बूढ़े। पूछा ये कैसे हो गया, ये हुआ कैसे? भक्ति कहती है सारे तीर्थों में मैं रही, वहां पर मैं बूढ़ी रही, पर जब से वृंदावन आई हूं तब से मैं जवान हो गई, मेरे बच्चे बूढ़े हो गए। नारद जी जान गए ये ब्रज की रज है, यहां भक्ति हमेशा जवान रहती है और ज्ञान वैराग्य की यहां कोई महत्वता नहीं होती, इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। बूढ़े ब्रज की रज में भक्ति जवान हो जाती है। महाराज शास्त्र कहता है, हम भी आपसे निवेदन करेंगे, 60 साल से ऊपर वालों को बस में भरो, रेलवे स्टेशन पे छोड़ो, ट्रेन में बिठाओ, वृंदावन ले जाओ। भागवत कह रही है भक्ति 60 साल की आयु में जवान हो गई। नंद बाबा को भी चमत्कार सा हो गया, लोगों हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। तो वहां बूढ़े जवान हो जाते हैं, इसलिए आपसे भी निवेदन है, 60 साल वालों को बस में भर के, ट्रेन में भर के वृंदावन ले जाओ, जब ये जवान हो जाए वापिस ले आओ। तीर्थ में एक बात याद रखिए, तीर्थ में एक सास को ले जाओ और एक बहू को ले जाओ, सबसे ज्यादा दर्शन कौन कर पाती है? जम के बोले जरा, जो 70 साल की उसके पांव से चला नहीं जाए, घर की चार सीढ़ी नहीं चढ़े, और जो वृंदावन ले जाके छोड़ दो, द्वारका ले जाओ, जगन्नाथ ले जाओ, जिस तीर्थ में ले जाओगे वहां दौड़ दौड़ के दर्शन करेगी, और दर्शन करेगी और बहू बिचारी कमरा से निकले दर्शन करने जाए जब तक तो पट्टी बंद हो जाए, फिर फोन लगा के अब ओके अब मैं कल आऊंगी, और कल जाए इतनी देर में छोरा छोरी के तैयार करें, बेचारी फिर तैयार हो, फिर तैयार होती होती जाए फिर बंद हो जाए, और सास इतनी देर में तो 4-6 बार घर पुरा के डोकरी है, दर्शन करके चका चक तुरंत होता है सुख का अनुभव, आनंद, ओल्ड इज गोल्ड। जमके तो बोलो सही है कि गलत है? बहुओं और सास में बहुत अंतर है, बहू बेचारी पार्लर में तैयार होती, सास घर में तैयार होती। बहू पार्लर में तैयार हो तो भी इतनी सुंदर नहीं दिखे, और डोकरी पहनी पिनाई साड़ी भी पहन के और चुटैया कर कुरा के जैसे ही निकले तो बहू की तो जान जल जाए, डोकरी के देख तो शरीर कई जोरदार लग रही, क्यों? याद रखना, क्रीम की चमक केवल 15 दिन की होती है और अच्छे कर्म की चमक बुढ़ापे तक की होती है साहब। अच्छे कर्म की चमक, क्रीम लगाओगे उसकी चमक थोड़े दिन की है, पर तुम अच्छा कर्म कर कर चलोगे, भगवत नाम जपते हुए चलोगे, दान पुण्य स्मरण करते हुए चलोगे, वो कर्म की चमक तुम्हारी जिंदगी तक की रहेगी। चमकते रहो, उज्जवल होते रहो, निर्मल। बस अंतर इतना है, जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं रहती हैं, सासूओं रहती बिचारी, दिन रात ठाकुर जी की सेवा करे, राधा कृष्ण की सेवा करे, लड्डू गोपाल की सेवा करे, ठाकुर जी से लाड़ लड़ावे, चमक बढ़ती गई। ठाकुर भी चमका, इनके भी चमका, ये चमक ये दमक फुल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से चमका। भगवत चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित, और जब भगवत चित्त वृत्ति में परमात्मा समाहित होता है तो वह सुख का आनंद बढ़ता चलेगा, बढ़ते। इसलिए हम बार बार कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, बहुत कठिन है बचना। मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, आप कैमरे की निगाह में हो, दुकानों पर लिखा रहता आप कैमरे की निगाह में हो, पर परमात्मा भी तो कहता है जिस दिन तू मां के गर्भ में आया उस दिन से लेकर मरेगा तब तक मेरी निगाह में रहेगा, इसलिए कर्म अच्छा करते चलना भाई।
कुछ अच्छा करिए, जीवन का सुख मिले, जीवन का आनंद जिसमें समा। सुखदेव जी महाराज, भगवान देवऋषि नारद ब्रह्मदेव के कहने पर भूमंडल पर आए, भक्ति मैया के सम्मुख में हाथ में यमुना जी का जल लिया। नमामि यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा मुरारी पद पंकजा स्फुरंत मंद उत्कंठमा तटस्थ नव कानना प्रकट मोद पुष्पांबुना सुरसुर सपूजित स्मतम श्री विवृति। हाथ में जल लेकर छोड़ा ज्ञान वैराग्य पर, ज्ञान वैराग्य उठे, ज्ञान वैराग्य उठे। और जब ज्ञान वैराग्य उठे, नारद जी लेकर चले उनको कथा श्रवण करने। पहुंचे सनत कुमारों के सामने, जाकर देवऋषि नारद ने कहा, मुझे कथा सुनना है भागवत, मेरे को भागवत सुनना है। मैंने सुना है भागवत सुनने से परम पद का सुख का अनुभव होता है, आप मुझे कथा सुना दीजिए। सनकादि ऋषि ने कहा, बैठिए। देवऋषि नारद ने पूछा, कथा सुनने का नियम क्या है? भगवान सनत कुमार कहते हैं, एक फल का सेवन करो, भूमि पर शयन करो, जले भोजन का त्याग करो, संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्रवण करो। कितना फल? एक फल। और ध्यान देना, इतने में काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, पर भागवत जम के वो तो बोलो पूरी सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फलहार करो, दूसरे समय फरियाल करो। अब आया वही साबुदाने की खिचड़ी, भगर, चिप्स, अब वो भी करो, पर भागवत जम के तो बोलो जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले, दोनों समय फरियाल करो, पर भागवत सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो, पर भागवत जरूर सुनो। इतने में भी काम नहीं चले तो दोनों समय भोजन करो, पर भागवत बोलते जाओ जरूर सुनो। अब यहां तक तो भागवत में लिखा, उसके बाद हमारी भी सुन लो। इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो, पर भागवत, भागवत जरूर, भागवत नहीं छोड़ना अपन को। शास्त्र कहता है, बल्लभ कुल की एकादशी करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी करो। कई लोग कहते हैं, महाराज जी हमसे पूछते हैं, गुरु जी हम कथा करवा रहे हैं तो व्रत करना पड़ेगा? हमने कहा, पहले ये बता, बीपी है? हाँ। शुगर है? हाँ। तो हमने कहा, व्रत तू मत कर, भगवान खुद कर लेगा। तू तो रेंदे दादा, तू तो खूब खा और कथा सुन। मालूम पड़े एक दिन व्रत कर ले, दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़ा, कथा किसको सुनाएंगे? सही है कि गलत है? इसलिए तुम तो खूब चरो, पर भाग, तुम तो खूब खा, इसलिए ये चतुर है हमारे बुआ फूफा, तुमको पहले आराम से खिला पिला के फिर बिठाया, बैठा, खूब खाओ पर कथा कथा नहीं सुन। मारा बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से भागवत कभी। ये किस्मत से मिली, भाग्य से। देवऋषि नारद, कथा श्रवण करना जरूरी है, कथा सुनो, कैसे भी सुनो पर कथा सुनो, कथा का रस तत्व बनाइए, छूटे नहीं। सुनिए, एक बार अमरावती के पास कथा करने गए जी जी, तो वहां ऐसी कथा का पंडाल और उसके पास में चारों तरफ लगा दिया उनने तख्त और उस पर बिछा दी गादी और तकिया। तो हमने पूछा, ये तक तो चल गया कि नीचे बिछाया, कुर्सी लगाई, सोफा लगाया, ये तख्त क्यों लगाया? तो कि महाराज कहीं कहीं के ऐसे वीरे बिचारे जिनसे बैठते ही नहीं बने, पर सोते सुनो पर सुनो, यही सो पर कथा फुल व्यवस्था। और एक व्यक्ति ऐसा कटोरी में पानी लेके बैठा था, हमने उससे पूछा, तू काय को बैठा? तो के जो सोए उसे छीटो पर कथा, कथा। अभी एक सुक्ताल में कथा थी, तो वो जजमान एक ढोल वाले को लेके आए,
वो 7 दिन ढोल वाला कथा के बीच में बैठा, और जैसी कथा चले और बीच में वो ढम कर दे। अब जैसी ढम करे तो सब घबराए। तो हमने जजमान से पूछा, तू इनको क्यों लाया? तो के कोई सोएगा नहीं, जब सोए तो तभी ढम दिया। अब वो इतनी तेज ढम से बजा कि सब उठ के एकदम चक फिर बैठ। भगवान भला कर, अच्छा है वे तो भोपाल में नहीं धरा तुमने ढम। अब भगवत चित्त कथा, देवऋषि नारद ने कथा श्रवण करने का, भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा सुनने आ गई। कोई पुरातन चरित्र सुनाया जाए। महाराज, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम था धुंधली, संतान नहीं थी, वृक्ष लगाए फल ना हो, गाय पाले बछड़ा बच्चिया ना हो, धर्म पत्नी को भी संतान नहीं। संत के पास से निकलता हुआ तालाब में कूदने वाला था। संत ने पूछा, क्या कर रहे हो? महाराज, आत्महत्या। क्यों? मैं जिस वृक्ष को लगाता उसमें फल नहीं लगते, जिस गाय को पालता उसके बछड़ा बच्चिया नहीं होते, और मेरी धर्म पत्नी को भी संतान नहीं है। संत ने कहा, तेरे यहां 7 जन्म तक संतान का सुख नहीं है। चरणों में पड़ गया गुरुदेव, दुनिया में गुरु जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं, ध्यान देना, लोहे से ज्यादा तेज। लोहा सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा तेज हूं, काट सकता हूं एक एक को, तलवार बनकर निपटा सकता हूं। लोहे से ज्यादा तेज होती है अग्नि। सही है कि गलत है? अग्नि लोहे को गला देती है। अग्नि को अहंकार आता है तो अग्नि कहती मैं सब में आग लगा सकती हूं। इतने में अग्नि से तेज होता है पानी। 2 मिनट